अग्गे वधांगे उधर पैरोल दे जेल तो बाहर आए डेरा मुखी दे अग्गे हरियाणा दे भाजपा आगुआं दी कतार लग गई है। जी हाँ, ऑनलाइन सत्संग दे विच शामिल होए डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा। तो डेरा मुखी दे नाल गलबात दे करदे आ फिजिकल दर्शन देने की भी अपील की है। करनाल दी मेयर रेणू बाला ते डिप्टी मेयर नवीन कुमार ने भी सत्संग दे विच हिस्सा लिया। डेरा मुखी नूं पिता जी दे वजों भी संबोधन करके आशीर्वाद मंगया गया। उत्तर प्रदेश दे बागपत तो सत्संग कर रहा सी राम रहीम। हरियाणा दे विच आदमपुर जिमनी चोण अते पंचायत चोणां दे नाल इसका पूरा कनैक्शन भी देखा जा रहा। जी हाँ, पूरा कनैक्शन जो है वो सियासी भी मनिया जा रहा। 3 नवंबर नूं आदमपुर जिमनी चोण ते 30 अक्तूबर नूं पंचायत चोणां होणियां ने। साल दे विच तीजी वार जिथे कि डेरा मुखी नूं पैरोल मिली है। समर्थकां दे विच खुशी की लहर पाई जा रही है। कतल अते रेप मामले च सजा याफ्ता है राम रहीम। तीजी वार 40 दिनां की पैरोल मिलने तो बाद जिथे कि उत्तर प्रदेश के बागपत तो सत्संग किया जा रहा राम रहीम दे वल्लों, तो उत्थे ही हुण एक वड्डा तांता जो है वह लग गया है। ऑनलाइन कतार दे विच सियासी आगू जो ने शामिल हो रहे हैं। ऑनलाइन सत्संग दे विच डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा शामिल होए ने ते डेरा मुखी दे नाल गलबात भी की गई है। इन्ना ही नहीं, यह भी कहा गया कि फिजिकल दर्शन देने की अपील भी करते हुए नजर आए। तो करनाल की मेयर रेणू बाला अते डिप्टी मेयर नवीन कुमार ने भी इस सत्संग हिस्सा लिया। तो डेरा मुखी नूं पिता जी के वजों भी संबोधन किया। इन्ना ही नहीं, उन्होंने आशीर्वाद भी मंगया गया। आप संगत के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और जो आपने शिक्षा दी है उसके ऊपर सारी संगत चल करके जिस तरीके से हमेशा मानवता की भलाई के कार्य कर रही है, चाहे ग्रीननेस की, हमारे जहां सारी प्रशासन फेल हो जाता है वहां पे आपके आशीर्वाद से ये सारे जितने भी भाई बहन है खासकर ग्रीननेस वेलफेयर के, ये हमेशा वहां मानवता की सेवा के अंदर खड़े मिलते हैं। ये आपका आशीर्वाद है और परमपिता मालिक से, अब आप खुद मालिक है वो तो आप जानते हैं कि कब वर्चुअल की बजाय खुद फिजिकल आकर के आप दर्शन देने का काम जल्दी करें। ये जी बिल्कुल, ये तो उनकी रजा है। साध संगत की तरफ से आपके चरणों में बेनती करते हैं जी, और यही कहेंगे कि आप इसी तरीके से जिस तरीके से आप आशीर्वाद देते रहते हैं, आपने मार्गदर्शन दिया है समय समय के ऊपर, आप इसी दृढ़ यकीन के साथ और जिस तरीके से आपने बताया कि जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनके घरों में कोई कमी नहीं रहती। हाँ जी, ये करनाल से लिख के आया है, मेयर रेणु बाला वो जी आ गए हैं, तो अगर पॉसिबल है वो बात करनी चाहते हैं तो कर सकते हैं बेटा। पिताजी, मेयर रेणु बाला गुप्ता करनाल से है पिताजी, बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा, करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। अपनी आस्था की हर व्यक्ति की बात है और पैरोल का विषय है क्योंकि ये लीगल प्रक्रिया है, इसके अंदर सरकार का कोई लेना देना नहीं है और लीगल तौर के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करके व्यक्ति को वो जज उसको सुनते हैं, सुन करके फिर उसको पैरोल देते हैं। वो उसकी कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उसको पैरोल मिल गया, उसमें सरकार का तो कोई है ही नहीं। और अगर रणबीर गंगवा की आपने बात किया, ये व्यक्ति की अपनी आस्था की बात है, कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। नहीं देखिए, ये अपनी आस्था की बात होती है। संगत गई थी वहाँ पे, काफी संगत थी, बड़ी संख्या में संगत थी, तो बस एक संगत की तरफ से जैसे बात हो रही थी तो एक ये थी कि भाई आप जैसे आपको पैरोल मिलती है तो आप बरनावा गए भाई, कभी करनाल आ जाओ, या सिरसा की भी जब हम संगत बात चल रही थी भाई सिरसा डेरे में भी आओ, तो उसके रिगार्डिंग उस तरह ये बात। ये सत्संग था, अब जो सत्संग में किसी की मनाही तो है नहीं, तो सत्संग बड़ा सत्संग था करनाल लेवल का, तो जो भी आदमी जिन जिन को वहाँ पता लगा तो वो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने अपने इच्छा जाहिर करी आशीर्वाद मांगने की। हमें तो जो हमारे को तो जो मेरे जो वार्ड के लोग हैं वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं जो बाबा जी से जुड़े हुए हैं,
तो वो उन लोगों ने मुझे बुलाया था वहाँ ऑफिस में आके कि आपने ज़रूर आना है। उसमें हम गए सामाजिक उस दायरे में, हाँ उन्होंने वहाँ लंगर वगैरह का कार्यक्रम रखा हुआ था तो उन लोगों ने हमें बुलाया था, इसलिए हम गए थे। तो साल 2022 दे विच कदों कदों डेरा मुखी नूं पैरोल मिली है वह भी तुहानूं दस दईए। पंजाब दे विच 20 फरवरी नूं होण वालियां चोणां तों पहलां 7 तों लैके 27 फरवरी तक 20 दिनां तों फरलो मिले सी ते 19 जून नूं होण वालियां हरियाणा निगम चोणां तों पहलां 17 तों लैके 30 जून यानी 13 दिनां दी पैरोल मिली। 3 नवंबर नूं हरियाणा दी आदमपुर जिमनी चोण ते 30 अक्तूबर दी पंचायत चोण तों पहलां 14 अक्तूबर नूं 40 दिनां दी पैरोल मिली है, यानी हुण तीजी वार पैरोल जो है राम रहीम नूं मिली है। समर्थकों के खासी खुशी की लहर इसनों लैके पाई जा रही है, दूजे पास इसनों सियासी कनैक्शन के नाल जोड़ के देखा जा रहा है। डेरा मुखी नूं वार वार पैरोल दिते जाण दा शुरू होया विरोध। जी हाँ, SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी दे वल्लों सवाल चुके गए ने, उन्हां पुछिया जी डेरा मुखी राजीव गांधी दे कातलां ते गुजरात दे विच रेप करन वालियां नूं पैरोल मिल सकदी तां बंदी सिंघां दी रिहाई क्यों नहीं। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति दे पुत्र अंशुल छत्रपति ने भी सवाल चुके ने, उन्हां सीधा कहा कि भाजपा डेरा मुखी दा सियासी फायदा चुक रही है। अंशुल दे पिता पत्रकार रामचंद्र दे कतल मामले दे विच डेरा मुखी नूं जिथे की सज़ा हुई है, तो हुण उन्हां दे वल्लों भी सवाल जो ने चुके जा रहे हैं कि सिर्फ सियासी लाहा लैण दे लई निजी मुफादां दे लई ही राम रहीम की वरतों जो है वह की जा रही है, फायदा लिया जा रहा है। डेरा मुखी नूं वार वार पैरोल दिते जाण दा विरोध शुरू हो गया, इस नूं लैके सियासत भी पक्की हुई है। SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी दे वल्लों भी सवाल चुके गए ने, उन्हां सीधा पुछया जे डेरा मुखी राजीव गांधी दे कातलां अते गुजरात दे विच रेप करन वालियां नूं पैरोल मिल सकती है तां फिर बंदी सिंघां दी रिहाई क्यों नहीं हो सकती, तां बंदी सिंघां दी रिहाई दा मुद्दा चुकदे हो नजर आए। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 180 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ 91 ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ। ਅਤੇ ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਧਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਨਿੱਜਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਕੇ ਲੀਏ बीजेपी राम रहीम का इस्तेमाल कर रही है और लगातार जिस तरीके से उसको पैरोल पर फरलो पर बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूं कि इस हमाम के अंदर सभी नंगे हैं, ये बात तो लगभग तय है। क्योंकि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए जिस तरीके से राम रहीम को बार बार बाहर ला रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि बीजेपी अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर एक आदमपुर चुनाव बाई इलेक्शन है और उसके बाद पंचायत इलेक्शंस भी हैं हरियाणा के अंदर, तो बीजेपी को बिल्कुल अपना ये स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो एक बलात्कारी के नाम पर अगर वोट मांगना चाह रहे हैं तो उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और बलात्कारी के नाम पर वोट मांगना चाहिए ताकि जनता के सामने उनकी असलियत जो है वो खुल करके सामने आए। तो बिल्कुल पत्रकार रामचंद्र छत्रपति दे पुत्र अंशुल छत्रपति दे वल्लों भी सवाल जो ने चुके गए ने, उन्होंने कहा कि भाजपा डेरा मुखी का सियासी फायदा चुक रही है। तस्वीरां भी तुसी देख पा रहे हो, उत्थे श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू विरसा सिंह वलटोआ सानां जुड़ चुके ने। वलटोआ जी स्वागत है BTC न्यूज़ ते, किस तरह देखदे हो कि डेरा मुखी नूं बार बार पैरोल भी मिल रही है, उस तों बाद हुण कई सियासी आगू जो ने वह भी पहुंच रहे ने जी? बड़े दुख की गल है कि एक कातल ते एक बलात्कारी जिहड़े कि साडे समाज दे विच इन्हों बड़ी नफरत की जाती है, अज वार वार पैरोल से आ रहे हैं और नाल जी पैरोल की टाइमिंग है
ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਅਲਾਓ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਬੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਦਮਪੁਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 27-27 32-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਜੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ 11 ਦੇ 11 ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨੇਕ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚੈਲੰਜ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਆਦਮਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਪਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਬੜਾ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਾਣ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ 20-25 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਔਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਕਹੀਏ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਜਿਹਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਵਿਰੋਧ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਦਰਜ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 4 ਸੇਵਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਲੰਟਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮਿਲੇ ਜੇ ਡੇਰਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੜਵਾਹਟ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਵੇ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਬਹਿਰਾਲ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ।